वीर में असाधारण स्तर की शक्ति है आप लोग इसे जेएनयू की चादरों पर फैला रहे हैं ठीक है ठीक है अगर आप इसके साथ ये कर रहे हैं तो ये आपकी मजबूरी है हमारे पास एक शरीर है हम इसे खुद से अलग नहीं कर सकते ये मौजूद है शरीर की अपनी जरूरतें हैं जैसे कि शारीरिक भूख है वैसे ही कामुकता है पर किस हद तक यह आपके ऊपर है योग विज्ञान में इसे वीर्यम कहा जाता है ये सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जाहिर है ये शक्तिशाली है अगर आपको खोजना आता हो तो नमस्कार सदगुरु मैं जानना चाहता हूं कि जब कोई छात्र कॉलेज में कदम रखता है तो अचानक उसे भारी मात्रा में उसे भारी मात्रा में अश्लील सामग्री मिलती है जो अब तक उससे बहुत दूर थी और उसे मजा आता है जैसा कि हमने कहा कि वो पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव करता है और हमने उन लोगों के नए नाम भी रखे हैं जो बहुत ज्यादा हस्त करते हैं हम कभी कभी ऐसा बहुत ज्यादा करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना अच्छा या बुरा है क्या आप हमें हस्त की सच्चाई बता सकते हैं ओ, ये एक लोकप्रिय प्रश्न लगता है देखिए हमारे पास एक शरीर है हम इसे खुद से अलग नहीं कर सकते यह मौजूद है अच्छा यह होगा कि हम इसकी सच्चाई समझें पर अभी दुनिया में समस्या यह है कि दुनिया के कुछ धार्मिक संस्थानों ने यह रवैया अपनाया है कि इंसान का शरीर ही गलत है इस वजह से संस्कृतियों ने इसे छिपाना शुरू कर दिया वैसे इस संस्कृति ने इसे कभी नहीं छिपाया पर अंग्रेजों के आने के बाद हम अंग्रेजों से ज्यादा दकियानुसी हो गए पर अगर आप उस समय से पहले के मंदिर देखें तो मंदिरों के बाहर की सभी कलाएं अश्लील हैं अगर आप अश्लील कहना चाहें तो पर हम उन्हें अश्लील नहीं कहते हम सिर्फ इंसानी शरीर के विभिन्न आयामों की बात कर रहे हैं क्योंकि हम इसे गलत नहीं मानते हम बस इसे जीवन का बाहरी हिस्सा मानते हैं अगर आप सिर्फ वहीं रहते हैं तो आप हमेशा भौतिक आयाम में रहेंगे आप कुछ और नहीं तलाशेंगे तो मंदिर में हमेशा ये बाहर होता है आपका काम है इसे देखना और समझना कि ये जीवन की बाहरी चीज है और जीवन की गहराई में जाने की कोशिश करना पर साथ ही इसे नकारना नहीं ना इसका महिमा मंडन करना न ही इसे नकारना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है पर आपके कॉलेज में इन चीजों को देखा जाता है आपका इंटरनेट या जो भी लोग मुझे बताते हैं किसी ने मुझे बताया मुझे नहीं पता कि यह प्रतिशत सही है या नहीं जब मैंने पूछा कि सामग्री क्या है मैं इंटरनेट और इसकी सामग्री को समझने की कोशिश कर रहा था इंटरनेट पर वास्तविक सामग्री क्या है उन्होंने मुझे बताया आपको पता होना चाहिए उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर 70 प्रतिशत सामग्री अश्लीलता है कैसा है आपको पता होगा क्या कोई इस पर पीएचडी कर रहा है उन्होंने मुझसे कहा सत्तर प्रतिशत मैंने कहा सत्तर प्रतिशत अश्लील चीजों का होना गलत है और यह एक बीमारी है अगर यह एक छोटा प्रतिशत हो तो ठीक है सत्तर प्रतिशत एक तकनीकी मंच पर जहां लाखों चीजें हो सकती हैं दुर्भाग्य से वहां अश्लीलता है जीवन का सिर्फ जीव विज्ञान ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जब आप एक इंसान के रूप में आते हैं तो आपका शरीर आपके जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं है यह आपके जीवन का एक हिस्सा है आपके दिमाग में इतनी क्षमता इसलिए है कि आपकी बुद्धि आपके जीवन का मुख्य हिस्सा बने और अगर आप सचेत हो जाएं, तो आपकी चेतना आपके जीवन का मुख्य हिस्सा बन जाती है शरीर एक बैल का मुख्य हिस्सा है यह उसके लिए ठीक है वो बस यही जानता है पर शरीर मानव जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं होना चाहिए यह हमारे जीवन का हिस्सा है हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन के एक चरण में यह ऐसा होता है एक पिचानवे वर्षीय व्यक्ति अपने डॉक्टर के पास मेडिकल जांच के लिए गया डॉक्टर ने पूरी जांच की और कहा अरे बूढ़े जवान आप पिचानवे की उम्र के लिए बहुत अच्छा जी रहे हो आपको कोई समस्या नहीं है फिर बूढ़े व्यक्ति ने पूछा डॉक्टर पर मेरे यौन जीवन का क्या तब डॉक्टर ने उसकी ओर देखकर पूछा उसके बारे में सोचना या उसकी बातें करना तो जीवन के कुछ चरणों में आप सिर्फ इसकी बातें करते हैं या इसके बारे में सोचते हैं कभी कभी आप इसमें लिप्त होते हैं यह जीवन के गुजरते हुए चरण हैं आपके लिए यह किस हद तक जरूरी हैं इसे आप सबसे अच्छा तय कर सकते हैं पर साथ ही आप अपने शरीर को समझने के लिए यहां नहीं आए हैं कम से कम आपको जीव विज्ञान में एमएससी करनी चाहिए थी आपको एक तकनीकी संस्थान में जीव विज्ञान की खोज करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए क्या इसका मतलब यह है कि आप में जीव विज्ञान नहीं है आपकी शारीरिक जरूरतें नहीं हैं, आप में है यह ठीक है पर इसे आपका बाहरी हिस्सा होना चाहिए न कि आपके जीवन का मूल हिस्सा क्योंकि इससे आप में एक कमी आ जाएगी आप एक प्राणी थे जो पूरी तरह से शारीरिक था फिर आपका विकास हुआ और अब आप में शरीर से परे अपनी खुद की बुद्धि है देखिए जानवरों की बुद्धि सिर्फ उनके शरीर के लिए काम करती है भोजन कैसे पाया जाए अपना साथी कैसे पाया जाए यही उनका पूरा जीवन है अगर मानव बुद्धि भी इसी तरह काम करे तो आप विकास की प्रक्रिया के खिलाफ जा रहे हैं आप वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं विकास की प्रक्रिया को पीछे ले जा रहे हैं ये जरूरी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास शरीर नहीं है शरीर की अपनी जरूरतें हैं जैसे कि शारीरिक भूख है वैसे ही कामुकता है आपको इसे किसी तरह से पूरा करना है पर किस हद तक यह आपको चुनना है पर निश्चित रूप से यह आपके जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अपनी बुद्धि और चेतना को मुख्य हिस्सा बनाने की विकास योजना को पीछे ले जा रहे हैं इसके बजाय आप अपने शरीर को मुख्य हिस्सा बना रहे हैं शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए मनुष्य का वीर कितना महत्वपूर्ण है क्या वीर को बर्बाद करने से हमें आध्यात्मिक नुकसान हो सकता है आप जानते हैं कि वीर आपके शरीर के अस्तित्व का आधार है चाहे आप पुरुष हो या महिला क्योंकि यह आपका पचास प्रतिशत हिस्सा है हा? हमारे पास त्वचा है हमारे पास कोशिकाएं हैं हमारे पास बाल हैं हमारे, है, हमारे शरीर के कई अन्य पहलू हैं दिल लिवर किडनी बहुत सी चीजें हैं इन सभी कोशिकाओं में अपनी अलग अलग शक्ति है पर वीर में असाधारण शक्ति है यह एक नया जीवन बना सकता है आज आप एक उपकला यानी एपिथेलियल कोशिका लेकर प्रयोगशाला में बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद हम आपका क्लोन बना सकते हैं ठीक है तो क्षमता यहाँ भी है पर उस तरह की क्षमता नहीं है जितनी की उस कोशिका में है जिसे आप वीर कहते हैं तो यौगिक संस्कृति में इसे वीर कहा जाता है वीर का एक अर्थ वज्र भी है जिसका अर्थ है हैिटी और डायमंडस्ट जो सबसे कठोर चीज है तो मानव शरीर में वीर को वज्र के समान माना जाता है इसका मतलब है कि यह सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है अगर आप इसका उपयोग करना जानते हो तो इसके उपयोग का एक तरीका है कि आप इससे बच्चे पैदा कर सकते हैं ये एक बात है अगर आप ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप लोग इसे जे की चादरों पर फैला रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिसे नैतिक रूप से आका नहीं जाना चाहिए मुद्दा यह नहीं है सवाल यह है कि आपकी मजबूरी किस स्तर पर है शरीर की किसी भी चीज से क्या हम एक अलग स्तर का काम कर सकते हैं बिल्कुल सिर्फ वीर ही नहीं इस शरीर की हर चीज को रूपांतरित किया जा सकता है देखिए मान लीजिए मैंने आप सभी को सूप बनाने की सामग्री दी आप सभी को वही सूप बनाने की सामग्री दी क्या आपको लगता है कि आप सभी एक ही सूप बनाएंगे नहीं आप 500 किस्मों के सूप बनाएंगे हालांकि सामग्री एक ही है अभी हमारे साथ यही हुआ है हम सभी मौलिक रूप से एक ही सामग्री हैं पर देखिए हम में से हर एक कितना अलग है अलग अलग सूप अगर मैं आपको सूप बनाने की सामग्री दूं तो आप एक शानदार सूप या एक घटिया सूप बना सकते हैं यह इससे तय होगा कि आप में कितना कौशल है है ना तो यह हर बात पर लागू होता है ना सिर्फ वीर पर आपके शरीर और आपके मन के हर आयाम को आप किसी जबरदस्त चीज में बदल सकते हैं या इसे औसत दर्जे का या एक गंभीर समस्या बना सकते हैं आपके जीवन का हर पहलू यही जीवन के इस पहलू के लिए भी सच है ये वही ऊर्जा है देखिए देखिए लोग इसका शाब्दिक अनुवाद कर रहे हैं पर अगर आप उपकलता यानी एपिथिलियल कोशिकाएं बनाना चाहते हैं तो शरीर इस पर जितनी ऊर्जा खर्च करता है उसके मुकाबले अगर आप एक वीर की कोशिका बनाना चाहते हैं तो शरीर जितनी ऊर्जा खर्च करता है वो बहुत अलग है इसे वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया जा सकता है इसलिए जब आप इतनी ऊर्जा का निवेश कर रहे हैं तो जाहिर है कि अगर आपको खोजना आता हो तो इसमें क्षमता है लेकिन क्या आप में खोजने की क्षमता है क्या आप खोज करने में सक्षम हैं? क्या आपके पास ऐसा करने के लिए जरूरी साधना और मार्गदर्शन है यह एक बड़ा सवालिया निशान है